सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें। इस भोर की प्रार्थना में प्रभु का आदर करें, पिता का आदर करें, क्योंकि उसने मुझे और आपको पूरी रात भर संभाला, जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया और पूरी रात भर मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, वो जीवित है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु और अभिषिक्त परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उसकी दया, उसकी करुणा प्रति भोर मेरे और आपके लिए नई होती जाती है, और उसकी करुणा और उसकी दया अमर है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी दया, उसकी करुणा एक दिन के लिए नहीं, दो दिन के लिए नहीं, बल्कि सदा सदा सर्वदा के लिए है, अमर है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी दया और उसकी करुणा कभी मिटती नहीं है। उस परमेश्वर पिता का आदर करें, खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने दिन की शुरुआत करने से पहले, अपने कार्यों में जाने से पहले, उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर का आदर करें, जिसने मुझे और आपको एक नया दिन दिया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज मैं और आप जीवित हैं, और आज मैं और आप प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला। उसने हमारे प्राण को नाश होने से, हमारे आंखों में से आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर पिता का आदर करे दाऊद के समान। वो कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने तेरे अधर्म को क्षमा किया। क्यों? क्योंकि उसने तेरे रोगों को चंगा किया। क्यों? क्योंकि तुझे उसने तृप्त किया और तेरे सिर पर करुणा का मुकुट बांध दिया, इसलिए तू धन्य के। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया, हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे अधर्मों को क्षमा किया, हमारे रोगों को चंगा किया, इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, जयजयकार करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थनाओं में शक्ति है, आराधनाओं में चंगाई है, छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहोवा की महिमा करें, प्रभु यहोवा की जयजयकार करें, बड़ाई करें, क्योंकि वो योग्य है, वो सामर्थ्य है, वो पवित्र है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन से ये मुसीबतें, ये खतरे कब जाएंगी, मैं चारों ओर से घिरा हुआ हूं, पहाड़ों के समान मुझ पर मुसीबतें आ ठहरी है, आंधी और तूफान आ ठहरा है, खतरे और मुसीबत आ ठहरी है, मेरी नाव डगमगा रही है, मेरे जीवन की नैया डूब रही है, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु के करीब आ जाइए, खुदा के करीब आ जाइए, पिता के करीब आ जाइए। लुका सुसमाचार 8 अध्याय उसके 22 पद से 25 पद में हम जब देखते हैं, मेरे प्रियो, जब चेले नाव पर थे और उनकी नाव डगमगाने लगी, चारों तरफ से आंधी और तूफान आने लगा, उनकी नावें डूबने लगी। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि हमारे जीवन की नैया इसी प्रकार डगमगा रही होगी, इसी प्रकार डूबने पर होगी। मेरे प्रियो, कई प्रकार की मुसीबतें, कई प्रकार की तकलीफें होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आपका यीशु मसीह आपके साथ है तो वो नाव कभी नहीं डूबने पाएगी। जब चेलों को याद आया कि यहोवा हमारे साथ है, हमारा यीशु मसीह हमारा साथ है, और यीशु मसीह से उन्होंने प्रार्थना की और कहा, हाय हाय, हम नाश हुए जाते हैं, और प्रभु यहोवा उठकर उस आंधी और तूफान को शांत करते हैं, डांट देते हैं, और आंधी और तूफान उसकी बातों को मानकर शांत हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में कोई मुसीबतें हैं, ऐसा आंधी तूफान है, गरीबी का, कर्ज का, दुखों का, रोगों का, यदि आपके ऊपर कोई
तकलीफें हैं या खतरे मंडरा रहे हैं, प्रभु यहोवा आपके साथ है। प्रभु यहोवा से आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो, प्रार्थना करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, और उसने उठकर उन सारे आंधी तूफानों को डांट दिया और वो तुरंत शांत हो गए। वो बेचैन थे लेकिन उन्हें चैन मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, उन्हें शांति मिल गई, उन्हें तसल्ली मिल गई, उनकी बेचैनी, उनकी टेंशन, उनकी चिंताएं खत्म हो गई मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहोवा पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता, मेरे राज्य, आज जितने भी तेरे करीब हैं, आज जितने भी तेरे नज़दीक में हैं, उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन सारे प्रिय भाई बहनों की चिंताओं को दूर कीजिए। सबसे पहले उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से सब प्रकार की मुसीबतें और सब प्रकार के खतरे खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, उनके जीवन की नया को डूबने से बचा ले, बर्बाद होने से बचा ले, हानि और नुकसान होने से बचा ले। प्रभु यहोवा, उन आंधी और तूफानों को शांत कर दीजिए, उन सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाओं को खत्म कर दीजिए। प्रभु यहोवा, आप छू लीजिए। प्रभु यहोवा, आप आशीषित कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम में हर एक आंधी तूफान शांत हो जाती है। यीशु मसीह नासरी के नाम से सब प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे अधर्म क्षमा किए जाते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई और छुटकारा है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए और पिता से मांग लीजिए, पिता आपको जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंद रबा रीखा ना ला रा थी ना ला रा रबा। प्रभु यहोवा पर विश्वास करें मेरे प्रियो, विश्वास करें, खुदा आपके साथ है और आपके जीवन से सारे अंधी तूफान खत्म होंगे, आपके जीवन से सब प्रकार की बेचैनी खत्म होंगी, आपके जीवन से सब प्रकार के खतरे खत्म हो जाएंगे, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। विश्वास करें मेरे पिता, मेरे राजा, आज जितने भी कर्ज से परेशान है, आज पिता परमेश्वर कर्ज के तले हैं परमेश्वर, उनकी वो मुसीबतें, उनकी वो खतरे खत्म हो जाए, उनका कर्ज खत्म हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए, और उन्हें सब प्रकार की मुसीबतों से छुड़ा लीजिए। प्रभु आंधी तूफान शांत हो जाए, कर्ज का आंधी तूफान शांत हो जाए, बेरोजगारी का आंधी तूफान शांत हो जाए। प्रभु यहोवा, उन्हें आजाद कर दीजिए। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मेरे राजा, मेरे स्वामी, पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छी जॉब दे, अच्छी जॉब दे, अच्छा वर्क दे प्रभु, अच्छा बिजनेस दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित कीजिए, उनकी फसलों को, उनके पशुओं को आशीषित कर। पिता परमेश्वर, जितने भी आज आईसीयू में कोमा में, उन्हें छू कर चंगाई दे, उठाकर खड़ा कीजिए। सब प्रकार की मुसीबतें और सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं खत्म हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, उनके जीवन से सब प्रकार के आंधी तूफान खत्म हो जाए। प्रभु यहोवा, उन्हें आजाद कर दीजिए, कोर्ट के केस और जेल से आजाद कर दीजिए। प्रभु छू ले, छू ले, छू ले, और उनके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाए, सारी तकलीफें खत्म हो जाए। प्रभु यहोवा, उन्हें आजाद कर दीजिए। उनके लिए पिता परमेश्वर, आप वकील हैं, आप न्यायालय हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं मेरे पिता, उनको तो आशीष दे, आजाद कर दीजिए। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे नाम से सताए जाते, उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आज जितने भी घर परिवार में पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़ा करते हैं या नशा करते हैं, उनके जीवन को बदल दीजिए, जीवन को बदल दीजिए। लड़ाई झगड़े नशा करने वाली आदत छूट जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बर्बाद होने से बचा ले, हानि नुकसान होने से बचा ले। प्रभु यहोवा, आप आशीषित करें। पति पत्नियों को आशीष दे प्रभु, अनुग्रह कीजिए, और सब प्रकार के वो लड़ाई झगड़े
बुराई पाप अपराध सब खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप आशीष दे खुदा। धन्यवाद पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी निसंतान है प्रभु उन्हें संतान दीजिए, किसी भी हालत में उन्हें संतान दे प्रभु, किसी भी हालत में उन्हें आजाद कर दे दुखों से, अंधकार की शक्तियों से, और परमेश्वर पिता खतरों से, मुसीबतों से पिता परमेश्वर उनका छुटकारा होने के लिए प्रार्थना करते, उन्हें संतान दे प्रभु। गर्भ का प्रतिफल दे, गर्भ का प्रतिफल दे, गर्भ का प्रतिफल दे प्रभु यहोवा आशीष दे। धन्यवाद खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी अनाथ और विधवाएं हैं उनकी सुधि लीजिए, उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए, तकलीफों को आप दूर कीजिए। आज जितने भी घर बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से घर कंप्लीट हो प्रभु, उनको बनाने के लिए तू मदद कर, सहायता कर, आशीष दे। आज पिता परमेश्वर जितने भी स्टूडेंट्स उन्हें आशीष दे, उनके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आज जितने भी दुख और तकलीफ में हैं पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियों से ग्रसित है प्रभु यहोवा, उनके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाए, मुसीबतें और खतरे यीशु के नाम से खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उन्हें आजाद कर दीजिए, आजाद कर दीजिए, आजाद कर दीजिए, खतरों और मुसीबतों से आप छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए प्रभु आशीष दे। धन्यवाद खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुना और आदर सम्मान को रब आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के इस दिन को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते प्रभु। आप आशीषित करें, कोई भी बेरोजगार ना रहे, कोई भी दुख में ना रहे, कोई भी तकलीफ में ना रहे। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपको जरूर बचाएगा आंधी और तूफानों से और अंधकार की शक्तियों से, इसलिए प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।